हेलो अगेन आई वेलकम चैनल माय नेम इज़ प्रीति त्रिपाठी ओके लास्टली में हमने वीडियो हमारा यहाँ पे ख़त्म किया था अर्जुन मार्शल अर्जुन सिंह को पोस्ट मिल गई थी स्क्वाड्रन लीडर की पोस्ट मिली 1944 में उन्होंने बहुत सारे प्लेस उड़ाए ठीक है बाईप्लेंस उड़ाया अभी हम आगे देखेंगे ये हमारे नेक्स्ट पार्ट में कि उन्होंने उन्होंने आगे और क्या क्या अचीवमेंट किया मार्शल अर्जुन सिंह ने हम लोग देखेंगे ठीक है For his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross (DFC) in 1944. Children, here the same line has been repeating yahan pe same line repeat hua hai jo maine aapko upar ने explain kiya उनका जो role था उनका जो leadership quality जो की थी lead जो uh, squadron group of pilot को जो lead किया उन्होंने marshal Arjun Singh ने उसके लिए उनको किसने लीड किया फ़ाइट करने के लिए जो क्वाड्रम को लीड किया था फाइट करने के लिए अगेंस्ट जैपनीज ऑल उसके लिए उनको कौन सा अवार्ड मिला डी एफ सी डिस्टिंगिश फ्लाइंग क्रॉस इन नाइनटीन फोर्टी फोर हमने ऊपर देखा ये ठीक है ऑन ऑगस्ट फिफ्टीन नाइनटीन फोर्टी सेवन ये क्या हो रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस इसने हमारा आज़ादी हुआ तो आज़ादी के बाद की बात आज़ादी की आज़ादी के टाइम की बात हो रही है ठीक है फिफ्टीन ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन ही अचीव्ड ही मीन्स मार्शल अर्जुन सिंह ही अचीव द ऑनर ऑफ लीडिंग ए फ्लाई पास ऑफ ओवर ए हंड्रेड आई ए एफ इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली ओके अभी पंद्रह अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन क्या हो गया इनको कौन सा अवार्ड दिया गया किससे ऑनर किया गया कि वो जगह जगह एयरप्लेन्स उड़ाए जगह जगह कहीं भी उड़ा सकते एयरप्लेन्स उनको इस इस काबिल उनको बना दिया गया ठीक है उन्होंने कितने हंड्रेड से ज़्यादा प्लेन्स उड़ाए मार्शल अर्जुन सिंह ने सौ से ज्यादा प्लेन उड़ाए इंडियन एयरफोर्स के प्लेन उड़ाए ठीक है ओवर द कहाँ पे उड़ाया किसके ऊपर ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली रेड फोर्ट इन दिल्ली के, के यहाँ पे उन्होंने सौ से ज्यादा प्लेन्स उड़ाए और उनको लीड भी किया जो पायलट से उनको लीड भी किया और उनको उड़ाने का परमिशन भी मिला ठीक है तो इस पैराग्राफ में इनके बारे में बताने क्या क्या किया अभी हम आगे देखेंगे आफ्टर प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर अभी उनकी प्रमोशन हो गई ठीक है उन्होंने रेड फोर्ट दिल्ली में प्लेन्स उड़ाए लीडरशिप क्वालिटी भी किया स्क्वाड्रन को लीड किया अभी इनकी प्रमोशन हो गई टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर उनको विंग कमांडर से लेसिंग का नाम किया ऑन विंग्स ऑफ करेज क्योंकि यहाँ पे उनको विंग मिल गया ठीक है विंग कमांडर ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज आर एस सी ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज आट द यूके अब इनके प्रमोशन के जब उनको प्रमोशन मिल गया विंग कमांडर का तो उन्होंने कौन सी कॉलेज अटेंड किया रॉयल स्टॉफ कॉलेज जो कहाँ पे था यूके यूनाइटेड किंगडम में था कॉलेज पढ़ने के लिए सीखने के लिए ठीक है इमिडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अम्बाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन और जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिल गई इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम उन्होंने और क्या कमांड किया और किसको लीड किया अम्बाला ठीक है अम्बाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन अम्बाला को लीड किया एज अ ग्रुप कैप्टन ठीक है मार्शल अर्जुन सिंह ने इन नाइनटीन अभी ये सब उन्होंने क्या क्या किया उनके बारे में बताया जा रहा है ठीक है अभी 1949 में क्या किया उन्होंने इन 1949 फोर्टी नाइन ही वॉज प्रमोटेड टू उनको किस में प्रोमोट किया गया टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर अभी 1949 में उन्होंने उनको उन्हों एयर कमोडोर को एयर कॉमोडो ये हाईएस्ट पोस्ट रहती है एयरफोर्स में ठीक है कॉमोडो का मतलब यहाँ पे दिया गया रहेगा जो आ, लीड करता है कंपनी जो आ, ये प्लेन्स को प्लेन्स की लीड एयर एयरक्राफ्ट को लीड करते बोलते हैं एयर तो नाइनटीन फोर्टी इनको एयर कमांडोर को लीड किया गया लीड करने के लिए इनको पोस्ट इनकी बढ़ा दी गई ठीक है मार्शल अर्जुन सिंह की एयर कॉमोडोर एंड टुक ओवर एज एयर ऑफिसर और और उनको कैसे एज के बाद में उसको कौन सी पोस्ट बढ़ा देगी मार्शल सिंह की एज एयर ऑफिसर कमांडिंग पहले एयर कमांडर बन गए ठीक है जो एयर कमांडर जो लीड करेंगे प्लेन्स को चलाएंगे लीड करेंगे पूरा नॉलेज देंगे सबको उसके उनकी पोस्ट बढ़ा के एज एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर ऑफिसर कमांडिंग मतलब मतलब उनकी पोस्ट बढ़ती ही जा रही है एयर एयर ऑफिसर कमांडिंग मीन्स ए ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड मतलब कोई भी ऑपरेशन होगा तो उसको यही लीड करेंगे ए सी मार्शल अर्जन सिंह विच लेटर केम टू बी नोन वेस्टर्न एयर कमांड जिसको बाद में क्या नाम दिया गया वेस्टर्न एयर कमांड पहले उनको एयर कमोडर बनाया ठीक है बाद में उनको ए ओ सी बनाया उनकी पोस्ट यहाँ बढ़ाई गई है ठीक है बाद में उनको विच लेटर केम टू बी एयर ए सी को बाद में किस नाम से जाना गया वेस्टर्न एयर कमांड अब उनको सब जगह उनको लीड lead कर लीडरशिप क्वालिटी मिल गई सब जगह लीड कर सकते थे वो स्क्वाड्रम को और इंडियन एयरफोर्स को उनको लीड करने के दे दिया गया ठीक है अब हम लोग आगे देखेंगे सिंह हार्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज एओ ऑफ एन ऑपरेशनल बेस इनिशियली फ्रॉम नाइनटीन टू नाइनटीन फिफ्टी टू ओके अभी सिंह मीन्स अर्जन सिंह की बात हो रही है यहाँ पे मार्शल अर्जुन सिंह ओके हार्ड द डिस्टिंगशन उनके पास इतने डिस्टिंगश मींस उन्हें इतने सारे अच्छे काम किए कि उनकी गिनती नहीं है बोले एक स्टार लेवल उनको मिल गया था ठीक है डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर मीन्स लॉन्ग लॉन्ग टाइम लॉन्गर टाइम उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को इतने सालों तक तो कंट्रीब्यूट किया अपने काम से अपनी पोस्ट भी बढ़ाई एओसी फिर एयर कमोडो कौ, फिर एओसी ठीक है तो उसके लिए कोई गिनती उनको स्टार मार्शल भी बोला मतलब स्टार का पोज दिया गया एज़ ए ऑफ एन ऑपरेशनल बेस ए ओ सी की जैसे भी काम किया उन्होंने इनिशियली फ्रॉम 1949 फोर्टी नाइन टू नाइनटीन फिफ्टी टू उन्हें कितने साल काम किया चार साल काम किया एज़ ए ऑपरेशनल ठीक है इंडियन एयर ए का फुल फॉर्म है एयर ऑपरेशनल कमांड ओके okay? तो कितने साल काम किया सा, नाइनटीन फोर्टी से नाइन से लेकर नाइनटीन फिफ्टी टू काम किया मार्शल अर्जन सिंह ने एंड देन अगेन फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी सेवन टू नाइनटीन सिक्सटी वन चार साल यहाँ काम किया और वापस से चार साल का वापस चार साल बढ़ा दिया गया उनका नाइनटीन फिफ्टी सेवन से लेकर सिक्सटी मंथ तक इतने साल उनने एट ईयर उनने सर्व किया एज एन ए सी ए सी को फिफ्टी दिया गया है एयर ऑफिसर कमांडिंग जो एयर कमांड करता है क्या प्लेन कैसे उड़ानी हो कि पूरा नॉलेज के साथ ठीक है आफ्टर हिज प्रमोशन उनका प्रमोशन के बाद क्या हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल उनके ये इतने साल काम किया उनकी प्रमोशन कैसी होगी एयर वाइस मार्शल की प्रमोशन दे दी गई ठीक है और बड़ी पोस्ट हो गई एयर वाइस मार्शल ही वॉज अपॉइंटेड एज द एओ सी इन सी ठीक है अभी पहले उनको पहले वो एयर कमांडर थे फिर एओसी बन गए चार साल आठ साल काम किया उन्होंने उनकी पोस्ट बाद में क्या हो गई एयर वाइस मार्शल की पोस्ट हो गई एयर वाइस मार्शल दिया उसके बाद थोड़ा काम किया वापस सर्व किया देन ही वाज अपॉइंट उनको क्या अपॉइंट कर दिया गया उनका काम देखकर ए ओ एयर ऑपरेशनल कमांडो इन चीफ उनको चीफ बना दिया गया ए से बाद में उनको क्या बना दिया गया चीफ बना दिया गया मतलब और हाईएस्ट पोस्ट हो गई ठीक है ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड मीन कोई भी ऑपरेशन होगा तो उसको तुमको कमांड करना है ठीक है आगे देखेंगे टूवर्ड द एंड ऑफ द 1962 वॉर अभी ये ये जब ने यहाँ बात किया चिल्ड्रेन ये ये इंडिपेंडेंस के पहले का था ये इंडिपेंडेंस के बाद का ओके तुमने इंडिपेंडेंस के पहले भी लीड किया इंडिपेंडेंस के बाद भी ठीक है आगे आगे देखते हैं टूवर्ड द एंड ऑफ 1962 सिक्सटी टू वॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस नाइनटीन सिक्सटी टू वर्ल्ड के वर्ल्ड वॉर के बाद ही वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नाइनटीन सिक्सटी टू का वॉर जब हो गया उन्होंने जब लीड किया अच्छे से वापस उनकी पोस्ट बढ़ा देगी उनके काम को देखकर अपॉइंट वो कैसे अपॉइंट किया गया एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ उनकी पोस्ट क्या बन गई डेप्यूटी बन गए पोस्ट बढ़ेगा तो रैंक बढ़ेगा और ऑब्वियसली सैलरी बढ़ेगी राइट एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और बाद में डेप्यूटी चीफ बन गए बाद में उनके उनके काम को और देख कर डिस्टिंगशन है और देख उनको कौन सी पोस्ट दे दी गई वाइस चीफ बना दिया गया उनको मार्शल अर्जुन सिंह को वाइस चीफ बना दिया गया ऑफ द एयर स्टाफ इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री ओके इनके काम को देख कर यहाँ पे इनकी पोस्ट बढ़ाई जा रही है ठीक है नाइनटीन सिक्सटी टू में क्या बने थे वो ही वॉज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी चीफ स्टाफ और नाइनटीन सिक्सटी थ्री में क्या बन गए वाइस चीफ ठीक है वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री एक साल के अंदर उनका प्रमोशन हो गया ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द ज्वाइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमिले इसके बारे में बात करें शिक्षा हेल्थ बिटवीन आई ए एफ इंडियन एयरफोर्स रॉयल एयरफोर्स आर ए एफ रॉयल एयरफोर्स एंड आर ए एफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ओके ही वॉज द ओवरऑल ही वॉज ही डिड सो मेनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू लीड द इंडियन एयरफोर्स अकेडमी प्रॉपरली उनको क्या बना दिया गया कमांडर बनाया ज्वाइंट एयर ट्रेनिंग कोर्स उनको एक्सरसाइज ज्वाइंट एयर ट्रेनिंग का एक्सरसाइज का कमांड बना दिया गया आपको आपको ही हमारे कमांडोज को लीड करना है आपको एक्सरसाइज करना ज्वाइंट एयर ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए ठीक है उनको बना दिया गया शिक्षा कहाँ का शिक्षा हेल्ड बिटवीन आई ए एफ ठीक है यहाँ का उनको एक्सरसाइज बना देगा कमांडो बना देगा शिक्षा बिटवीन द आई एफ आर ए एंड आर एफ यहाँ का उनको क्या बना देगा लीडर बना देगा आपको इनको लीड करना है उनके काम को देख कर ओके अभी हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे क्या हुआ ऑन ऑगस्ट वन नाइनटीन सिक्सटी फोर अगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस ओके इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल द मार्शल ऑफ द एयर फोर्सेस अर्जन सिंह टूक ओवर रेंज ऑफ आई एफ यहाँ इन्वर्टेड कम है सेल्फ स्टॉप अगस्त 1964 में फर्स्ट अगस्त 1964 में क्या हुआ रैंक ऑफ एयर मार्शल की जो रैंक थी एयर मार्शल की जो रैंक थी अर्जन सिंह की ठीक है एयर फोर्स अर्जन सिंह टूक ओवर उन्होंने उसको चार्ज किया पूरा कंट्रोल किया अपने मार्शल की पोस्ट को पूरा कंट्रोल किया कि मुझे मेरे मेरे चार्ज को अच्छे से फुलफिल करना है रेंज ऑफ आईएएफ आईएएफ को लीड करने के लिए पूरा एक फॉर्म डिशन कि मुझे मेरे मार्शल को अच्छे से लीड करना है ठीक है एट अ टाइम वेन इट वॉज स्टिल रीबिल्डिंग क्योंकि वो टाइम वो इंडियन एयरफोर्स जितना बिल्ड नहीं हुआ था उसको और आगे बढ़ाना था अपने काम से मार्शल अर्जुन सिंह को और आगे बढ़ाना था उन्होंने क्या किया लीडरशिप क्वालिटी की अपने चार्ज को कंट्रोल किया इंडियन एयरफोर्स को आगे बढ़ाने की रीबिल्डिंग मीन्स और बढ़ा उसको बढ़ा रहे थे बढ़ाने था और बढ़ा रहे थे ठीक है इट्स एंड वॉज गियरिंग अप गियरिंग मीन्स गियरिंग मीन्स मतलब वो सिर्फ रीबिल्ड कर रहे थे अपने एयरफोर्स को और बढ़ा रहे थे गेटिंग अप मतलब गेटिंग रेडी रेडी कर रहे थे अपने इंडियन एयरफोर्स को आगे बढ़ने में टू मीट न्यू चैलेंजेस अभी उनको और भी न्यू चैलेंजेस को फेस करना था जिसके लिए वो इंडियन एयरफोर्स को और बिल्ड कर रहे थे अपने चर, अपने कंट्रोल से ठीक है कौन से एयर में सिक्सटी फोर में वन अगर सिक्सटी फोर सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप ही फ्लाइंग करेंसी टिल ही सी एस रैंक सिंह अर्जुन सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ वो फर्स्ट एयर चीफ थे जिन्होंने फ्लाइंग करेंसी मतलब उनको सब जगह जगह प्लेन उड़ाने का नॉलेज हो गया था फ्लाइंग करेंसी मीन्स नॉलेज को एक्सपीरियंस दिया है एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ठीक है आप हार्डवेयर में दिया है उनको प्लेन उड़ाने का जगह जगह नॉलेज हो गया था एक्सपीरियंस हो गया था ठीक है वो फर्स्ट ऐसे एयर चीफ थे टिल ही सी ए एस रैंक जब तक तो उनको सी ए एस का रैंक नहीं मिला ठीक है हैविंग फ्लोन ओवर सिक्सटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर उन्होंने साठ से ज़्यादा सिक्सटी से ज़्यादा अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ाए अर्जुन सिंह ने कौन से कभी फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वार टू के पहले भी उन्होंने उड़ाए थे एयरक्राफ्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी उनको उड़ाने का चांस मिला उनके काम को देख कर वर्ल्ड वॉर टू के पहले की बात हो रही है एरब एरब एयरप्लेन्स ये नाम है क्या उन्होंने उड़ाया है एरब आयरप्लेन टू द मोर कॉन्टेम्प्रेरी नैट्स कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स प्रेजेंट टाइम ठीक है अभी उन्होंने कॉन्टेम्प्रेरी प्रेजेंट टाइम नैट्स एंड वेम्पायर्स और प्रेजेंट टाइम भी उन्होंने ये उड़ाया नैट्स उड़ाया और वेम्पायर्स उड़ाए थोड़े टाइम के लिए ठीक है ही हैज़ ऑल्सो फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक द सुपर कॉन्स्टलेशन इसके अलावा नैट्स और इसके अलावा और, और ये फ्लाइंग और अलग अलग जब प्लेन्स उड़ाने के अलावा इन्होंने और क्या किया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इनको उड़ाने का मौका दिया गया इनके एक्सपीरियंस को देकर ठीक है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इन्होंने उड़ाया ठीक है लाइक द सुपर ये इसका नाम है जो ने ने उड़ाया ओके ना विल सी इन पाकिस्तान लॉन्च इट्स ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम मीन फाइट ये ऑपरेशन का नाम है जब इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने प्लान किया था झगड़े के लिए वॉर के लिए ठीक है 1965 में जब आ, इन, आ, पाकिस्तान ने प्लान किया वर्ल्ड वॉर के लिए ग्रैंड स्लैम इंडिया के अगेंस्ट में विद एन आर्मर्ड आर्मर्ड मीन्स फुल ऑफ ठीक है वेपन्स आर्मर्ड फुल ऑफ वेपन्स ठीक है विद एन आर्मर्स थ्रस्ट टारगेटेड एट द वाइटल टाउन ऑफ अखनूर उनके पास बहुत सारे वेपन्स थे टूल्स थे पाकिस्तान के पास उन्हें टारगेट किया कहाँ से टाउन ऑफ अखनूर से अखनूर से वह यह किया टारगेट किया इंडिया को ठीक है तो उसमें भी सिंह ने क्या किया सिंह लेड इंडियन एयरफोर्स को सिंह ने लेड किया मतलब लीड किया कि हमको क्या करना है ठीक है जब पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड वॉर छेड़ छेड़ने की बात की अखनूर से तो सिंह ने वहाँ भी लीड किया अपने इंडिया को जिताने के लिए थ्रू द वॉर विद करेज पूरे वर्ल्ड पूरे वॉर में ही हैज़ शोड हीज फुल ऑफ करेज टू डिफीट द पाकिस्तानीज ओके डिटर्मिनेशन थ्रू द करेज डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल उन्होंने डरा नहीं वो डरे नहीं वो निडर थे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया वहाँ भी उन्होंने पाकिस्तान को हराने के लिए पूरा डिटर्मिनेशन मुझे हारना है विद प्राउड विद विद हिस प्रोफेशनल स्किल जो उन्होंने इतने साल का तो काम किया था उसके साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान को हराने में जीत हासिल की ठीक है ही इंस्पायर्ड आई एफ आई एफ मीन्स इंस्पायर्ड मीन्स उनको उन्होंने आई को इंस्पायर किया यस yes, हमको आगे बढ़ना चाहिए आई एफ टू विक्ट्री और यहाँ पे उनकी जीत हो गई इंडिया के लोग इंडिया के लोग की जीत हो गई पाकिस्तानी के अगेंस्ट ओके विद ओनली द एफर्ट ऑफ मार्शल अर्जन सिंह डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट इतना होने के बाद कॉन्स्टेंट मीन्स कंटिन्यूस वर्क यहाँ पे मीनिंग दिया गया है रिस्ट्रिक्शंस इतने रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी मार्शल सिंह के पास इतने रिस्ट्रिक्शंस थे इम्पोज ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बार्ट पावर उतने रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी उन्होंने क्या किया पूरे अपने पा, उनके पास जो भी सोर्सेज थे जो भी उनके पास वेपन्स हथियार थे वो उन्होंने लड़ाई में यूज़ किया और जीत हासिल की कम मतलब कॉम्बैट मीन्स फाइट उनके पास जो भी रिस्ट्रिक इतने रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी उन्होंने इंडिया को जीतने में हेल्प किया मार्शल अर्जन सिंह ने ओके okay? अभी लोग आगे देखेंगे सिंह वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण फॉर इज एस्टीड लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर ओके अभी इन्होंने यहाँ पे वॉर वर्ल्ड वॉर जितने में हेल्प किया नाइनटीन सिक्सटी फाइव का इन वर्ल्ड वॉर जीत गए ठीक है अभी आगे उनको जितने उनको उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए टू सीज डिस्टिंक्शन लेवल उनको कौन सा अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण ओके सिंह वॉज अवॉर्डेड एज पद्म विभूषण फॉर इज एसटीड एस्टीड मीन्स उनका जो भी शार्प वर्क था इंटेलिजेंसी तरीका में अवार्ड यहाँ पे दिया भी गया है शार्प उनका जो भी शार्प इंटेलिजेंट जो उन्होंने काम किया अपने दिमाग से उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण अवार्ड के उनकी सॉरी उनकी लीडरशिप क्वालिटी के लिए ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर वॉट इट उन्होंने जो वॉर किया उसके लिए उनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया उनके स्किल के लिए उनके टैलेंट के लिए ओके एयरफोर्स सब्सिक्वेंटली इन रिकोगगनीशन ऑफ़ द एयरफोर्सिस कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वॉर द रैंक ऑफ द सी एस वॉज अपग्रेडेड आन अर्जुन सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ़ द इंडियन एयरफोर्स अभी सब्सिक्वेंटली मिस तुरंत तुरंत क्या हो गया इन रिकोगगनिशन पहचान में इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया इतना इतना उन्होंने आगे बढ़ाया ठीक है मार्शल अर्जुन सिंह ने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्होंने इतना सपोर्ट किया उसके लिए उनको क्या द रैंक ऑफ सी एस उनको रैंक ऑफ सी एस दी गई ठीक है रैंक ऑफ सी एस दी गई वॉज अपग्रेडेड एंड अर्जुन सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल उनको सी एस का रैंक दिया गया उसके बाद अर्जुन सिंह क्या बन गए फर्स्ट एयर चीफ मार्शल बन गए उनके पूरे काम को देख उनको अपग्रेड किया गया ठीक है उनको प्रमोशन किया गया रैंक दी गई एयर चीफ मार्शल की फर्स्ट एयर चीफ मार्शल बन गए वो ठीक है कहाँ के इंडियन एयर फोर्स के ओके okay? सो so, अगर आपको ये वन मार्क्स का क्वेश्चन आसर तो हुआ द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ़ इंडियन एयर फोर्स आंसर भी मार्शल अर्जन सिंह ओके अभी हम आगे देखेंगे ही रिमेंड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ दिस टेन्योर और एंड तक वो क्या हो गए फ्लायर बने रहे एंड तक वो मतलब उड़ा प्लेन उड़ा एंड तक जब तक तो उनके पास उन उनका वो अंदर एनर्जी था तब तक उन्हें लीड किया एयरक्राफ्ट को लीड किया ठीक है लॉन्ग लाइफ तक लीड किया इन आई ए एफ इंडियन एयरफोर्स में विजिटिंग 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 फॉरवर्ड बेसिस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन्स उन्होंने एंड तक पूरा प्लेन्स uh, को लीड किया एयरक्राफ्ट को लीड किया ठीक है एंड लाइफ तक ठीक है फॉरवर्ड बेसिस सब जगह उन्होंने अपना बेस बना लिया बेस बनाया ठीक है एंड यूनिट्स भी बनाया एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन्स और पायलट्स को भी लीड करते थे ग्रुप ऑफ पायलट्स को भी लीड करते थे मार्शल अर्जन सिंह ये उनका उन्होंने एंड तक इतना काम किया ठीक है ही रिटायर्ड इन ऑगस्ट 1969 और कौन से ईयर में रिटायर्ड हो गए इन ऑगस्ट 1969 व्हेन ही व्हेन ही व्हेन ही टर्न इन टू एन एज देन ही गॉट गॉड टू कैन रिटायरमेंट ओके देर अपॉन उससे क्या हुआ एक्सेप्टिंग एम्बेसडरशिप

लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू दिसंबर 99 1990 और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एक गवर्नर का पोस्ट मिला उनको कहाँ का दिल्ली का कब से कब तक 1989 से लेकर नाइन डिसम्बर नाइन्टी नाइन यहाँ भी उन्होंने इतने साल काम किए नाइन्टी से मतलब दो साल इतने नाइन एक साल काम किया एज अ गवर्नर ओके दिल्ली में ठीक है सी ए एस मीन्स चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ये आप पे देखो मीनिंग में दिया गया है सी एस की पोस्ट मिली उसके पर उन्होंने बहुत जगह काम किया अपना बेस बनाया यूनिट बनाए बाद में उन्होंने एम्बेसडरशिप ली स्विट्जरलैंड की कि वहाँ पे उनको एज अ इमेज उनको वहाँ पे रखा जाए उनको सैलरी वलरी से उनका चालू रहे अगेन ही वर्कड एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली फ्रॉम नाइनटीन एटी नाइन टू नाइनटीन नाइन नाइन नाइनटीन नाइनटी सो हीज एंड करेज एंड एफर्ट ओके ना फर्दर यूल सी ही पिक्चर ऑफ दिस ग्रेट मैन यू कैन जस्ट सी ओके यहाँ पे देख सकते तो ये है मार्शल अर्जुन सिंह इनके पास कितने सारे स्टार्स लगे हैं क्या क्या लगे हैं दिस ऑल ही वन विद इज ओल ओन करेज स्किल एंड प्रोफेशनल स्किल ओके इन्होंने जीता है ठीक है अपनी मेहनत से हैविंग बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज थ्रू द ईयर्स द गवर्नमेंट कन्फर्ड द रैंक ऑफ द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अपॉन अर्जुन सिंह इन जनवरी टू थाउजेंड टू अभी हैविंग बीन अ सोर्स ऑफ इनको एज अ इंस्पिरेशन माना जाता है इन्होंने लोगों को आगे बढ़ने की सीख दी इंडियन एयरफोर्स को इन्होंने एक ऊंचाई तक लेके गए ठीक है टू ऑल द पर्सनल आर्म फोर्सेस ऑल द मीन सारे आर्म फोर्सेस को उन्होंने बढ़ाने के लिए हेल्प हेल्प आउट किया ठीक है ऑल द आर्म फोर्सेज वी हैव आर्म फोर्सेज आर्मी नेवी एयरफोर्स मिलिट्री राइट तो सब में इनका कॉन्स्ट्रिब्यूशन था सबको इन्होंने इंस्पायर किया आगे बढ़ने के लिए साल पूरे एंड तक पूरे थ्रू द इयर जब तक थे तब तक द गवर्नमेंट कन्फर्ड द रैंक ऑफ द मार्शल गवर्नमेंट ने इनकी रैंक को क्या conferred किया रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अपॉन अर्जुन सिंह इन जनवरी और इनकी रैंक को और बढ़ा दिया क्योंकि सबको लीड किया था एंड में इनकी रैंक को और बढ़ा दिया गया कौन से ईयर में इन टू थाउजेंड टू में ओके मेकिंग मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड द ओनली फाइव स्टार रैंक इनके रैंक को बढ़ा के इनको क्या दिया गया फर्स्ट फाइव रैंक ऑफिसर टू थाउजेंड टू में इनकी रैंक बढ़ा दी गई फाइव स्टार ऑफिसर इनको बना दिया गया मार्शल अर्जुन सिंह को इनके काम ने सारे सोर्सेज को सारे आर्म फोर्सेज को उनने इंस्पायर किया था रैंक ऑफिसर विद इंडियन एयर फोर्स इंडियन एयर फोर्स को जो भी फाइव स्टार जो भी लोग लीड करते हैं उनका इनको फाइव स्टार ऑफिसर बना दिया गया मार्शल अर्जुन सिंह को कहाँ का इंडियन एयर फोर्स का ओके सो विल यंड विद दिस वीडियो ओके जिसने हमने इनके बारे में पूरा पढ़ा इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट पर्सन सो मेक श्योर वैन यू सी द वीडियो डेट्स को आपको ऑनलाइन करना है डेट वाइज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे चिल्ड्रेन ओके okay? और uh, ये वीडियो आपको दोबारा रीड करना है दोबारा पढ़ना है तभी आपको इसके आंसर समझ में आएंगे ना वी जस्ट सी द क्वेश्चन आंसर्स हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे थोड़ी देर तो हेयर वी हैव द क्वेश्चन यू फास्टर चिल्ड्रेन यहाँ पे ऑप्शन दिया है आर्मी नेवी एयरफोर्स आर्मी में कौन आता है ब्रिगेडियर मेजर कर्नल फील्ड मार्शल लेफ्टिनेंट जनरल मैंने स्पेलिंग यहीं से लिखे ऐसे देख के आप लिख सकते हो ठीक है और नेवी में क्या आता है कमांडर वाइस एडमारल एडमरल ऑफ फ्लीट कमांडोर एंड रियल एडमारल ठीक है एयरफोर्स विंग कमांडर स्क्वाड्रन लीडर स्क्वाड्रन लीडर जो पायलट को लीड करता है एयर मार्शल जो पोस्ट उनको दी थी मार्शल अर्जुन सिंह को फ्लाइंग ऑफिसर ये सारी पोस्ट उनको मिली थी अब मार्शल अर्जुन सिंह को लास्ट में उनको क्या मिला था एयर कमांडर देन ए इन चीफ एय सी चीफ यहाँ पे लिखा नहीं ये मैंने आप यहीं से लेके लिखे, लिखे आप स्पेलिंग यहाँ देख सकते हो ठीक है अभी हम लोग आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके सो ये वी द नेक्स्ट क्वेश्चन होमोफोर्स और होमोग्राफ्स ठीक है होमोग्राफ मीन्स यू हैव द सेम स्पेलिंग विद डिफरेंट मीनिंग स्पेलिंग सेम रहेगा बट मीनिंग अलग रहेगा ठीक है थीके? तो यहाँ पर देखते हैं फटाफट हम लोग वियर एक वियर का मतलब होता है पहनना एक लड़की को फ्रॉक पहनने का मन है दूसरे में क्या है वेयर दूसरा वेयर क्या है प्रोनाउंसिएशन सेम है स्पेलिंग डिफरेंट है वेयर ठीक है द द सिल्वर वेयर लेड आउट ले ऑन ले द किंग्स टेबल वॉज एक्ट एक्विजाइट ठीक है तो दोनों का देखो स्पेलिंग डिफरेंट है बट प्रोनासीशन सेम है उसे बोलते हैं होमोग्राफ्स ठीक है देन हेयर एंड हीयर दोनों भी अगेन स्पेलिंग सेम है स्पेलिंग्स स्पेलिंग्स uh, uh, ये है डिफरेंट है बट मीनिंग सेम है थोड़ा कन्फ्यूजन इधर होगा तो जस्ट वेयर टेंशन वेयर द स्पेलिंग इज डिफरेंट बट द मीनिंग इज सेम दैट इज कॉल्ड होमोग्राफ्स ठीक है यहाँ पे देखो द चिल्ड्रेन कुड़ हियर द साउंड ऑफ द प्लेन क्वाइट क्लियरली चिल्ड्रेन आवाज़ सुन पा रहे थे हेयर मीन सुनना ठीक है इसके अच्छे इसके अच्छे अंडरलाइन करना भूल गए तो आप कर लेना ठीक है यहाँ पे किया है मैंने और दूसरा हेयर क्या है दूसरा हेयर क्या है यू मस्ट सिट हेयर तुम यहाँ पे आके बैठो इस ये भी हेयर पढ़ते ये भी हेयर पढ़ते ठीक है तो ये हो गया प्रोनाउंसिएशन सेम विद डिफरेंट स्पेलिंग ओके देयर का है आई हेड केप माई बैग देअर मैंने मेरा बैग वहाँ रखा देअर सैट दुमन टू पुलिस मैन और दूसरा प्रोनाउंशियशन क्या है देयर टी एच ई आर ओके द गर्ल्स पिकड अप देयर बैग्स गर्ल्स ने अपने बैग्स उठाए तो दोनों का देखो स्पेलिंग डिफरेंट है बट बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम मतलब होमोग्राफ ठीक है द प्रिजनर सेट इन द डार्क सेल विदाउट टॉकिंग प्रिजनर जो था जो कैदी था वो अंदर जा के बैठ गया डार्क सेल में बिना बात किए सेल मीन्स जेल और दूसरा सेल क्या होता है सेल अपना द हॉकर वॉन्टेड टू सेल ये भी देखो सेल है अपना एक, एक उसका सेल होता है रिमोट का जिसका स्पेलिंग सी से होता है तो वो यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं दूसरा सेल होता है बेचना हॉकर वॉन्टेड टू सेल ही वेजिटेबल्स एंड वॉट एवर दोनों का प्रोनाशिएशन सेम है बट स्पेलिंग इज डिफरेंट हो क्या हो गया होमोग्राफ्स ठीक है होमोफोन भी बोलते हैं होमोग्राफी बोलते हैं नेक्स्ट विल सी फॉर द यू डू राइट व्हाट द अंडियन होमोग्राफ्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैव द सेम क्वेश्चन होमोग्राफ्स है उसका आपको अंडरलाइन करना है मैंने पे मीनिंग के साथ लिखा है थोड़ा सा थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा बोर्ड पे लिखा है थोड़ा थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा सो आप ध्यान सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अ बियर इज एन ओमनीवर्स एनिमल बियर क्या मतलब भालू वो क्या क्यों है ओमनीवर्स है क्योंकि वो घास फूस खाते हैं राइट तो बियर को ऑनलाइन किया मैंने बियर इज एन एमनिवर्स एनिमल तो यह मैंने देखो मैंने मीनिंग मैं लिखा है यहाँ पे ध्यान दिया थोड़ा बियर मीनस अ लार्ज हैवी एनिमल बड़ा बड़ा और भारी भरकम भालू भारी बड़ा, बड़ा बड़ा रहता है भालू ठीक है तो वो और दूसरा मीनिंग क्या है बेयर बर्दाश्त करना टॉलरेट करना तो दोनों का अगर देखो स्पेलिंग यहाँ पे सेम है भी सेम है बट द मीनिंग डिफरेंट ठीक है एक बियर होता है भालू एक बियर होता है बर्दाश्त करना ठीक है तो ये हो गया होम, होमो होमोग्राफ्स या होमोफोन्स ठीक है नेक्स्ट है शी कुड नॉट बियर द इनजस्टिस तो मैंने यहाँ पे लिखा है शी कुड नॉट बियर द इनजस्टिस ओके तो यहाँ पे है बियर अगेन टू to टॉलरेट एक बर्ड एक करना एक होता है बड़ा भालू होता है बर्दाश्त करना ठीक है अ बैट इज द ओनली ओनली बर्ड विच इज अ मैमल अभी बैट के अंडरलाइन किया मैंने क्योंकि बैट के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे किया गया है अंडरलाइन ठीक है ओमोग्राफ्स को अंडरलाइन किया गया है तो बर्ड ही बैट ही ऐसा एनिमल है जो मैमल है ठीक है बैट एक बैट होता है मैमल बर्ड दूसरा बैट क्या होता है जो आप बैट बॉल खेलते हैं वुड एंड बैट विच यूज टू प्ले अ गेम दैट इज क्रिकेट ओके पे देखो पेनाल्टी ट्रैफिक सिग्नल फाइन आपको पेनाल्टी बढ़नी पड़ती है राइट दूसरा फाइन होता है सॉफ्ट क्लोथ बेबीज यूज दॉफ्ट क्लोथ टू प्रिपेयर देबीज ड्रेस वो मैंने यहाँ पे लिखा है बेबीज ड्रेस फाइन मीन सॉफ्ट पतला कपड़ा बेबीज के लिए अच्छे सॉफ्ट कपड़े यूज़ करने चाहिए तो यहाँ भी दो फाइन है बट मीनिंग इज स्पेलिंग इज सेम मीनिंग इज डिफरेंट ओके ये भी हो गया होमोग्राफ्स हो, के एग्जाम्पल्स ओके okay? पहले हमने क्या किया स्पेलिंग डिफरेंट था लेकिन प्रनज सेम था वो भी होमोग्राफ था यहाँ पे हम क्या करें स्पेलिंग भी सेम है स्पेलिंग सेम है प्रन सेम है बट द मीनिंग इज डिफरेंट तो ये भी होमोग्राफ है ओके okay? यूज ओके वी एन्जॉयड अ लॉर्ड एट अ टेम्पल फेयर हमने बहुत एन्जॉय किया टेम्पल मंदिर में मंदिर के फेयर में जो स्टॉल्स लगते, है to लगते हैं ना गेट टुगेदर टू गेट समथिंग न्यू टू ईट समथिंग स्टॉल्स जो रखते हैं उससे बोलते हैं फेयर ठीक है, fair, है fair. एक तरह का मार्केट रहता है फेयर एक फेयर वो होता है दूसरा शी हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन वो गोरी है नॉट डार्क फेयर मीन गोरक नॉट डार्क अ गुड गुड ग्लोइंग ठीक है तो दूसरा फेयर होता है लाइट नॉट डार्क तो ये भी हमने यहाँ पर हमारा खत्म हो गया होमवर्क इसका इसको क्या बोलते हैं होमोग्राफ्स सेंज स्पेलिंग से सेम स्पेलिंग विद द डिफरेंट मीनिंग इट इज़ कॉल होमोग्राफ्स समटाइम वी हैव द डिफरेंट स्पेलिंग विद द सेम परमिशन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द होमोग्राफ्स ओके जो हमने ऊपर देखा नेक्स्ट विल सी फर द ओके सो फिनिश विद दिस सो ये विल एंड विद दिस ना अगेन आई शो यू वॉट पिक्चर्स यू विल गेट ओके ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ठीक है अभी ऊपर के जो हमारे ऊपर के हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया लिख के दिया है मैंने आपको ये ये दिस क्वेश्चन आंसर ये वी हैव द मीनिंग यू कैन गो टू द मीनिंग्स ऑफ द चिल्ड्रेन ओके दिस क्वेश्चन वेरी इजी क्वाइट इजी बट दें टू यूल गेट द आंसर दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द लेक्चर बट मेक श्योर वैन यू रीड द क्वेश्चन यू गेट द आंसर दिस क्वेश्चन दट इन द बुक इट सिल आपको लेसन में इसके आंसर्स मिल जाएंगे तो खुद से ट्राई करो बहुत ईजी क्वेश्चन है ठीक है ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर इसके मिल जाएंगे एंड नेक्स्ट अगेन यी हैव द क्वेश्चन मीनिंग भी आप बार देख लेना जो मैंने बताया मैंने इसमें भी लिखा है यहाँ भी मीनिंग्स है साइड में ओके यह तो मीनिंग्स है वो लिया दिस इज अ पर्सन मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था इनके बारे में मार्शल अर्जन सिंह ये भी मैंने आपको सब लिखवा दिया है हाँ दिस वन दिस ऑल्सो इंग्लिश वर्कशॉप वी हैवर सो दिस पिक्चर्स विल गेट यू कैन डू बाई योर सेल्फ ऑल्सो बट टू येट द पिक्चर्स इधर आपको क्या करना विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स गिवियर प्रिपेयर फैक्ट फाइल ऑफ एयर मार्शल अर्जन एयर मार्शल का डेट ऑफ बर्थ क्या था आपको मैंने मार्क करवाया बुक में ठीक है प्लेस ऑफ बर्थ क्या था लेलपुर में आपको भी बताया था वो भी आपको यहाँ पे लिखना है उनका एजुकेशन कहाँ किया माउंटेग मेरी में उनको फर्स्ट असाइनमेंट क्या था प्लेन उड़ाने के लिए उनको दिया गया था वापसी बाई ठीक है राइट इंपॉर्टेंट पोस्ट right? उन्होंने क्या किया था एयरफोर्स में क्या पोस्ट था और आफ्टर रिटायरमेंट वो दिल्ली की गवर्नमेंट बने राइट right? और ए का पोस्ट उनको मिले ए इन चीफ तो ये आपको लेसन में से मिल जाएगा लेसन पढ़ोगे तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे कि तो आपको खुद से करना है इट्स अ सेल्फ एक्टिविटी मेक श्योर ट्राई टू डिड बाई योर सेल्फ ओके अवार्ड उनको क्या मिला मोस्ट आउट आउटस्टैंड का परफॉर्मेंस क्या था कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हें ए आई इंडियन एयरफोर्स क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया कैसे उनको आगे लीड किया उन्हें रिटायरमेंट कौन सी है मिली है इज़ टू नाइनटी में, में रिटायर हो गए थे वो ठीक है तो यहाँ पे हमारे ये वेब है ये भी आपको इसके आंसर आपको मिल जाएंगे इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ अर्जेंसिंग वॉज अ ब्रेव वॉज अ काइंड पर्सन ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग विद अ स्पेशल स्पेशल स्किल्स इफेक्टिव स्किल्स यहाँ पे आप लिख सकते हो लेसन में से लेके ठीक है इट्स ऑल वेरी ईजी द नेक्स्ट वी आर वॉट कॉल एक्शन प्रिस द फॉलोइंग प्रमोशन ऑफ़ अर्जन सिंह इन उनका क्या एक्शन था जब उन्होंने ये ये सेलेक्टेड फॉर एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स उन्होंने क्या किया वो भी आपको लेसन में ही मिल जाएगा लेसन में से ही लाइन दिया गया है ठीक है प्रोमोटेड टू स्क्वाड्रन लीडर स्क्वाड्रन लीडर को उनको प्रमोट क्यों किया गया इन 1944 क्योंकि फोर उन्हें बहुत सारे फ्लाई पास्ट उड़ाए थे प्लेन्स उड़ाए थे इसलिए उनको प्रमोट किया गया था ये मैंने आपको मार्क करवाया आपको एक्सप्लेन किया मैंने अच्छे से तो आपको पेज नंबर पर पे मिल जाएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहाँ पे लीडर ऑफ फ्लाई पास उन्हें हंड्रेड फ्लाइट हंड्रेड क्राफ्ट क्यों उड़ाए कहाँ उड़ाए वो भी आपको लिखना है आप डिटेल में ठीक है फिर भी आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे उनके पद्म विभूषण अवार्ड क्यों मिला फर्स्ट एयर चीफ मार्शल कौन सी एम बने क्यों बनाया किसने बनाया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड विद्रोबिट वॉन्स टू रिटेन द प्रॉपर मीनिंग यहाँ पे आपको देखो कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड और रेजेज ही कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली इन ब्रिंगिंग अप द स्कूल्स तो आपको यहाँ से आपको वर्ड्स लेना है और आपको यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड को आपको लिखना है अंडरलाइन करना है इसकी भी आंसर आपको लेसन के एंड में मिल जाएंगे ओके okay? ये भी आपको मिलिट्री है इसकी भी आंसर आपको मिल जाएंगे सो दिस ऑल वेरी इजी यू कैन अंडरस्टैंड आप समझ सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आएगा यू कैन यू कैन कमेंट भी इन द बॉक्स डेफिनेटली आई एल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन चिल्ड्रेन ओके बिकॉज अपना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए आई ट्राइव टू स्टॉप ही कुछ नहीं समझ में आएगा आप मेरे को पूछ सकते हैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी ये भी आपको आंसर बहुत ईजी है इस मल्टी क्वेश्चन आंसर है बस ठीक है आगे यहाँ पर होमोग्राफ्स है सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंशिएशन आपको मैंने पहले ही बताया जिसकी स्पेलिंग सेम होती है प्रोनाउंसिएशन सेम जैसे बोलते हैं होमोग्राफ्स वैसे ही आपको यहाँ पे फॉर्म्स से आपको सेंटेंस लिखना है दूसरे फॉर्म सेंटेंस लिखना है ट्रेन एक ट्रेन क्या होता है दूसरा ट्रेन क्या होता है इट्स अ वेरी इजी ट्रायल रूप है उस अगर आपको नहीं आएगा डेफिनेट लेवल टेल यू ओके एंड सो गो टू द लेसन वन मोर जो भी एक्सरसाइज एक्सेजमर रहेगा आप खुद से ट्राई करो ओके आई स्टॉप द वीडियो एंड अगेन विल म्यूट इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू इफ यू एक्चुअली लाइक माई चैनल जस्ट सब्सक्राइब चैनल थैंक यू एवरी वन